कक्षा दो पाठ पाँच सब्जेक्ट हिंदी पाठ का नाम है स्नान। सुबह का समय था। मनु की जो दीदी थी वह स्नान करके निकली और मनु ने कहा, दीदी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो जो जीजी है वो कहती है, हाँ भैया लगूंगी, मैं रोज स्नान करती हूँ। मनु ने कहा कि जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। जीजी ने कहा, केवल पानी ऊपर डालने से स्नान नहीं होता। तो मनु पूछता है, तो फिर कैसे नहाना चाहिए। जीजी ने के नहाने के लिए सबसे जरूरी बात यह बताई कि पानी स्वच्छ होना चाहिए। अगर हम गंदे पानी से नहाएंगे तो हमें कई चमड़े की बीमारियां हो जाएगी, जैसे फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि। तो मनु ने कहा कि क्या पोखर, तालाब, नदी, बावड़ी, हैडपम्प, कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तब दीदी ने कहा कि ये मैं नहीं कहती, क्योंकि गांव के लोग तो अधिकतर वहीं पर करते हैं, वहीं पर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, पशु भी उसी का पानी का पीते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। तो मनु ने कहा कि जीजी है तो बताओ कि क्या रोज साबुन लगा कर नहाना जरूरी है। तो जीजी ने ये भी मना कर दिया कि जरूरी नहीं कि ज़्यादा साबुन लगाएंगे तो उससे अपनी चमड़ी रुखी हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मल मल कर साफ पानी से नहाना चाहिए और नहाने के बाद अपने शरीर को तौलिए से रगड़ कर पोंछना चाहिए, और जिससे हमारी चमड़ी के छिद्र खुल जाए। और खेलने और व्यायाम करने के बाद भी स्नान करना चाहिए। तब जीजी ने कहा, स्नान तो करना चाहिए लेकिन एकदम नहीं, पसीना सूख जाने के बाद नहाना अच्छा होता है। मनु ने कहा, जीजी कभी कभी हमें तालाब, बावड़ी पर भी नहाना पड़ता है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब जीजी ने बताया कि वहाँ का पानी अधिक गहरा नहीं होना चाहिए, और यह याद रखना चाहिए कि हमें स्नान से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है और हमारा मन कभी दुखी नहीं होता, और हमारा शरीर स्वच्छ और मन प्रसन्न रहता है। अब ये देखो, इसके अभ्यास काय में शब्दार्थ स्वच्छ, साफ, पोखर, छोटा तालाब, छिद्र, छेद, व्यायाम, कसरत, उच्च शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो, रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। अब जैसे ये स्वच्छ, स्वच्छता, प्रसन्न, प्रसन्नता, ऐसे शब्द बनाने अपने को, पढ़, पढ़ना, चट, चटना। प्रश्न उत्तर देखो, एक शब्द में उत्तर लिखिए, जीजी के छोटे भाई का क्या नाम था। जीजी के छोटे भाई का नाम था मनु। नहाने के बाद शरीर को किससे रगड़ कर पहुंचना चाहिए, नहाने के बाद शरीर को तौलिए से रगड़ कर पहुंचना चाहिए। नहाने के लिए कैसा जल होना चाहिए, नहाने के लिए साफ जल होना चाहिए। अब ये देखो, ये एक लाइन लिखी है यहाँ पे, इसका सुंदर लेख लिखना है अपने, स्नान से शरीर स्वच्छ एवं मन प्रसन्न रहता है। तो ये अपने लाइनें लिखनी है, इसकी 5 लाइन आप लिख लेना साफ साफ। अब ये देखो, नीचे अच्छी आदतें दी हुई है, जल्दी उठना चाहिए, अपने नित्य क्रम कार्यक्रम करने चाहिए, जैसे ये शौच जाना, नहाना, नाश्ता टाइम से करना, स्कूल जाना, ये क्या होती है, ये अपनी अच्छी आदतें होती है। अब ये आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करोगे और साफ सुथरा काम करोगे।